बेकार पड़े चावल गेहूं की खाली बोरी से आज हम बनाने वाले हैं चावल और गेहूं स्टोर करने का ऑर्गेनाइजर और बिस्तर स्टोर करने का ऑर्गेनाइजर। फ्रेंड्स ये देखिए रात के बज गए हैं यहाँ पर 10:30 बजकर 34 मिनट हो गए हैं और ये अनिकेत अभी भी काम पर लगा हुआ है। दिखाना अनिकेत क्या क्या बन चुका है इसमें, पूरा दिखाना एक बार। वाह महात्मा गांधी बनाया अनिकेत ने इसके ऊपर, डायरेक्ट पेन से बना रहा है। मिट्टू काजू खा रहा है सुबह सुबह, है ना मिट्टू? कितना बना दिया दिखाना। अनिकेत की ऑल ओवर पूरी स्कूल के अंदर अनिकेत की ड्राइंग सबसे अच्छी है ना अनिकेत? अच्छी बात है, गुड गिफ्ट। खुशी जो कोचिंग के लिए गई सारी बुक उसकी बिखरी पड़ी है तो ये भी सारी मेरे को व्यवस्थित करनी है एक बार। तो फ्रेंड्स अनिकेत ने काम दे दिया है, इसको लेमिनेशन करवा के ला रही हूँ। निकाल लेना भैया दोनों के लिए बैंड लेके आई हूँ अनिकेत और खुशी के लिए। दिखाना बेटा पहनने के बाद ये सिलाई अच्छे से है। खुशी का भी स्कूल चेंज हुआ है, 10th क्लास से इसने जिस स्कूल से की है उस स्कूल में इसको इनवाइट किया गया है, वहाँ पर बुलाया गया है 15 अगस्त पे। तो खुशी जाएगी अपने पुराने वाले स्कूल में, क्यों खुशी? हाँ। सारी फ्रेंड आएंगी तेरी? हाय फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स घर के काम करते करते मुझे जो है 2:30 बज गए हैं, 2:30 मिनट हो गए हैं और अनिकेत जो क्राफ्ट बना रहा था उसको मैं लेमिनेशन करवाने के लिए शॉप पे चली गई, खुशी को कोचिंग के लिए छोड़ के इसको वापस लेके आई, खाना बनाया, घर की सारी साफ सफाई करते करते ये टाइम हो गया है। लेकिन अब भी जो है हम उसको वीडियो को जो स्टिचिंग की जो टिप्स है उसको हम बना लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, इसको बनाने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, लेकिन वीडियो को एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो हम ज्यादा लेट नहीं हुई है बाकी के दिनों से। बाकी तो हम 3-4 बजे वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो आज हमारी शुरुआत और जल्दी हो गई, आज बच्चों की छुट्टी है। तो फ्रेंड्स ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, आप अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसकी रिक्वेस्ट आई थी इस वाले ऑर्गेनाइजर की, इसके अंदर आप चावल गेहूं स्टोर करके रख सकते हो, आप इसके अंदर बिस्तर स्टोर करके रख सकते हो, आप इसके अंदर कपड़े स्टोर करके रख सकते हो। और मैं ये भी बताऊंगी कि आप इसको ज्यादा बड़ी साइज में कैसे बना सकते हो। मैं जो बना रही हूँ ये एक मीडियम साइज से बना रही हूँ, लेकिन आप इसको बड़ी साइज में भी बना सकते हो और छोटी साइज में भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स से वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब उस टिप्स को शुरू करते हैं जो आज हम बनाने वाले हैं और 0 कॉस्ट में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आज जो ऑर्गेनाइजर हम बनाने वाले हैं उसके लिए चाहिए हमको राइस बैग। तो मैंने ये राइस बैग धो के और गेहूं की खाली बोरी है, ये आप कोई भी प्लास्टिक बैग ले सकते हो, राइस बैग, गेहूं की खाली बोरी, आटा बैग, कुछ भी ले सकते हो। और इनको मैंने धो के सबको देखिए ऐसे बांध के रख रखा है और हमें चाहिएंगे ये 6 राइस बैग क्योंकि हम मीडियम साइज से बना रहे हैं। आप ज्यादा बड़ी साइज में बना रहे हो तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे बना सकते हो। तो चलिए फिर फटाफट से मैं बता देती हूँ आपको कैसे जोड़ने हैं। ये हार्ड वाला पार्ट है, सभी का कट करके अलग कर देंगे। ये इस तरीके के पीस हम तैयार कर लेंगे, इन सबको कट कर देंगे। गेहूं की 1 बोरी ली है हमने खाली। अगर आप इसको बड़ी साइज में बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 4 राइस बैग एक साथ में जोड़ लेने हैं, एक इसके ऊपर जोड़ना है और 2 फिर एक इसके साइड में, एक इसके साइड में। अब हम इस पीस को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ तक लेकर के जाएंगे कट करते हुए। देखिए इस तरीके से इस पीस को मैंने कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर देखिए
इस तरीके से एक राइस बैग हम इधर जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, सिलाई लगा देंगे, और एक राइस बैग हम यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, और एक राइस बैग हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे, और एक राइस बैग हम यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जो सबसे इजी तरीका वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने चारों पीस इसके ऊपर जोड़ दिए हैं इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके का पीस बन करके आता है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये अंदर वाला पीस है इसको नाप लेंगे, तो ये 18 इधर आ रहा है, 18 इंच, और 18 इंच ही ये इधर की तरफ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, एक इंच बढ़ा के एक पीस और कट करना है। एक इंच हमें क्यों बढ़ाना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर जाएगा, आधा उधर जाएगा। तो ये 18 बाय 18 इंच का बीच वाला पीस है, तो हमें क्या करना है, 19 बाय 19 इंच का एक पीस कट कर लेना है राइस बैग से। एक और देखिए, एक राइस बैग और ले रखा हमने, इसमें से हम पीस कट कर लेंगे। तो 19 इंच तो इसकी चौड़ाई यहाँ से है, ये देखिए 19 इंच है। अभी 19 इंच हमको इस साइड से ले लेना है। ये देखिए पीस भी इस तरीके से रेडी होके आ गया है। अब इस पीस को आप कौन से भी साइड जोड़ सकते हो, एक तरफ, ये देखिए इसको हम यहाँ जोड़ लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से एक तरफ का पीस क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा। लेकिन इस पीस को जोड़ने से पहले हमें एक काम और करना है, इसके साथ में हमें चैन अटैच करनी है। तो मैं एक बार चैन अटैच करके बता देती हूँ, इस पीस के ऊपर चैन अटैच होगी हमारी। तो फ्रेंड्स देखिए, चैन में इस तरीके से मैं पूरा एक बंडल एक साथ में लेकर के आती हूँ चैन, क्योंकि मेरे आप देखते हो वीडियो में हर रोज बैग बनते रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये चैन ला के रख रखी है। नॉर्मल बैग के लिए आती है, आप जैसे दुकान पर जाके मांगते हो कि बैग की चैन दे दो, तो वो इसी तरीके से देखिए आपको यही वाली चैन देंगे निकाल के, क्योंकि नॉर्मल चैन होती है बैग के लिए। आप कमेंट करते हो कौन सी चैन यूज करते हो, तो मैं ये नॉर्मल बैग की चैन यूज करती हूँ। अब देखिए हमें ऐसे नापना है इसको, ये 3 साइड नाप लिया हमने। चैन थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, 2 इंच बाद में एक्स्ट्रा होगी तो कट कर देंगे उसको। अभी देखिए चैन हमें अटैच करनी है इसके ऊपर, इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे, ऐसे सिलाई लगाएंगे। चैन की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है इस तरीके से, और 3 तरफ सिलाई लगा लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे मैंने चैन अटैच कर ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से सीधा करना है यहाँ पर, और ये सिलाई मार्जिन है इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि ये जो सिलाई मार्जिन है ये अंदर की तरफ दब जाएगा। और फिर एक रनर हम इधर से डालेंगे और एक रनर हम इधर की तरफ से डालेंगे। जब हम रनर डालेंगे तो दोनों तरफ से ऐसे खींच के देखिए इसमें से तार निकालेंगे, फिर रनर डालेंगे इसके अंदर, और फिर पीछे से तार पकड़ के ऐसे आगे की तरफ इसको पुश कर देंगे। तो एक रनर यहाँ से डालेंगे और एक रनर हम यहाँ से डालेंगे, एक्स्ट्रा चैन है उसको हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने 2 रनर डाल लिए हैं इसके अंदर इस तरीके से, टॉप स्टिच भी कर दिया है, और यहाँ से भी एक्स्ट्रा चैन है उसको कट करके इसको फिनिशिंग कर लिया है। तो ये पार्ट है, ये ऊपर का है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2 तनी तैयार करी है। इस तनी की लंबाई है 9 इंच की, चौड़ाई है 1 इंच के लगभग। अब इनको हमें कैसे अटैच करना वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसकी सीधी साइड ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए इसका सेंटर निकालेंगे पहले तो, और सेंटर से फिर देखिए मतलब सेंटर से 2 इंच इधर की तरफ, 2 इंच इधर की तरफ मार्किंग करेंगे, और देखिए इसको यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेंगे, इधर की तरफ अटैच करेंगे ये, और एक जस्ट इसके सामने वाले पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। फ्रेंड्स देखिए, मैंने वहां पर हैंडल लगा दिया एक, और एक यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए इस पार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर क्या करना है, जो चैन लगाई है हमने उस पार्ट को देखिए, इसकी सीधी साइड ये है तो, और इसकी सीधी साइड ये है, तो इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इसको मैंने यहाँ पर ढक्कन को ऊपर वाले को लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, कॉर्नर अटैच करने हैं इसके। तो देखिए कॉर्नर को हमें ऐसे अटैच करना है, यहाँ से पकड़ेंगे इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर इस वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, ये ऐसे ऐसे ही हमें चारों कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा देनी है। जैसे देखिए ये कॉर्नर है, तो कैसे बनाएंगे इस कॉर्नर को, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगा देंगे, ऐसे ही चारों कॉर्नर को सिल लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से ये इसका लुक आया है बनने के बाद। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ऊपर वाला ये पार्ट है, तो अभी चैन अटैच नहीं हुई है यहाँ पर,
तो हम क्या करेंगे देखिए, इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे चारों तरफ इसके ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अभी चैन से इसको ओपन करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये सिलाई मार्जिन, इसको नीचे की तरफ ऐसे करेंगे, दबाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर इसको पलट लेंगे दूसरी साइड। इसको मतलब ये जो अभी अंदर है इस साइड को बाहर कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है और टॉप स्टिच भी कर दिया है यहाँ पर। अभी देखिए आप चाहो तो यहाँ कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से पकड़कर और यहाँ पर जो है बिल्कुल बारीक पतली यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो, जिससे शेप बाहर की तरफ अच्छा आएगा। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसकी शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। इसके अंदर 2 क्विंटल गेहूं आराम से आ जाएंगे। गेहूं डालो, चावल डालो, 2 क्विंटल आ जाएंगे इसके अंदर। और अगर आप गेहूं चावल नहीं डाल के रखना चाहते हो, या फिर ऐसा होता है कि कई बार खाली पड़ा है, तो आप इसके अंदर बिस्तर भी जो है रख सकते हो, कपड़े भी आप इसके अंदर एक्स्ट्रा है वो रख सकते हो। काफी बड़ी साइज का है ये। इससे ज्यादा बड़ी साइज अगर आपको चाहिए तो मैंने बताया 2 राइस बैग इधर जोड़ना, 2 इधर जोड़ना, 2 इधर और 2 इधर, और फिर नीचे वाला बेस जैसे मैंने बनाया वैसे आपको बनाना है। ऊपर वाला ये भी पार्ट जो इसको ऐसे ही बनाना है। और देखिए कुछ भी डालो आप इसके अंदर, राइस डालो, गेहूं डालो। उसके बाद देखिए हम इसको ऊपर से इस तरीके से बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके से। और ये हैंडल तो हम सिर्फ इसको ऐसे मतलब अगर कपड़े हैं तो हैंडल पकड़ के उठा सकते हैं। गेहूं डालने के बाद हैंडल पकड़ के उठाओगे तो जो है ये फट जाएगा, ये टूट भी जाएंगे साइड में, क्योंकि 2 क्विंटल गेहूं काफी ज्यादा हो जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैं इसके पास में बैठी हुई हूँ और इसकी हाइट इतनी है आप समझ सकते हो। और मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी आई है। तो इसकी जो हाइट है वो है, अभी ये खाली है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं भर रखा है। हाइट इसकी है 28.5 इंच की और साइड में से चौड़ाई और लंबाई जो है वो इसकी 18x18 इंच की है। तो ये इसकी साइज है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल रखा है तो हल्की सी इसमें सलवटें आई हुई हैं। इसको इसके अंदर आप कुछ भी भर के जो है कहीं भी कॉर्नर में रख सकते हो इसको। तो 0 कॉस्ट में बनाया है, 2 क्विंटल गेहूं इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप भी कमेंट कर सकते हो कि आपको जो है कैसी टिप्स चाहिए, आपको कैसी वीडियो चाहिए, आप भी कमेंट करके जो है अपनी राय दे सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स देखिए अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल रखा इसलिए थोड़ी सी इसमें जो है सलवटें लग रही हैं। काफी बड़ी साइज है इसकी, जैसे आपने देखा इसकी हाइट 28.5 इंच की है। ये देखिए तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो। आप इसके अंदर बिस्तर स्टोर करके रख सकते हो, डेली के बिस्तर भी आप जो है समेट के इसके अंदर डाल के इसको कहीं भी साइड में कॉर्नर में रख सकते हो। इसके अंदर आप जितनी आपकी एक्स्ट्रा साड़ियां होती है उनको भी आप रख सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि नई साड़ियां होती है, नए सूट होते हैं, हमारे पास इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो उनसे बेड भर जाता है और बेड में बिस्तर रखने की जगह नहीं होती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो देखिए इसके अंदर आप स्टोर करके कहीं भी रख सकते हो, कोई पैसा हमने खर्च नहीं किया है इसके अंदर। और आप इसको और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर आप कपड़ा भी अटैच कर सकते हो, लेकिन मैंने कपड़ा इसके ऊपर अटैच नहीं किया। आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ज्यादा अच्छा लुक अगर आप देना चाहते हो तो। आज का जुगाड़ आपको कैसा लगा है फ्रेंड्स जरूर बताना। अरे ढक्कन बंद नहीं होगा भाई। तो फ्रेंड्स देखिए जब इसको समेट के रखना है क्या करना है, इसका ढक्कन ओपन करना है यहाँ से। और फिर देखिए ये वाला साइड वाला पार्ट है, यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से करेंगे और ये नीचे वाला पार्ट अंदर की तरफ ऐसे जाने देंगे, मतलब ऐसे अंदर आ गया ये, और साइड से ऐसे दबाएंगे। और सेम तरीके से देखिए दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे। ये वाला जो पार्ट है देखिए ये पार्ट, ये पूरा अंदर जाने देंगे ऐसे। इस साइड में से अपने आप शेप इसकी रेडी हो जाती है इस तरीके से। और उसके बाद हम इसको यहाँ से फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये देखिए
बहुत ही अच्छे से इसकी फोल्डिंग हो जाएगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना आज का आइडिया आपको कैसा लगा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।